हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश रीडर में, कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज बुक का, जो कि है लेसन नंबर 3, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे। अब आपको नाम पढ़ के क्या समझ आ रहा है? इम्पॉर्टेंट डे, ऐसा कौन सा इम्पॉर्टेंट डे है जिसके बारे में इस लेसन में बात की जा रही है, कि जो इसने ये नाम रखा लेसन का कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन, ताकि हमें पता तो चले ये नाम रखा किस लिए गया है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप रीड करते हैं। वार्म अप में हेलन केलर लॉस्ट हर साइट एंड हियरिंग एबिलिटी व्हेन शी वाज ओनली 19 मंथ्स ओल्ड। हेलन केलर, ये गर्ल का नाम है जिसने अपनी साइट, मतलब देखने की शक्ति और सुनने की एबिलिटी, सुनने की और देखने की दोनों की शक्ति खो दी थी जब वो सिर्फ 19 मंथ्स की थी। With the help of a teacher, Annie Sullivan, she learned to read and speak. उन्होंने अपनी टीचर की हेल्प से, जिसका नाम था Annie Sullivan, उन्होंने Helen Keller को रीड करना एंड बोलना दोनों सिखाया। This is what Miss Sullivan used to tell Helen. ये क्या बोला करती थी Miss Sullivan Helen को? Keep on beginning and failing. Each time you fail, start all over again and you will grow stronger until you succeed. स्टार्ट करो, फेल हो रहे हो, फिर से स्टार्ट करो, तब तक स्टार्ट करते रहो अगेन एंड जब तक आपको उसमें सक्सेस प्राप्त नहीं हो जाती, सफलता नहीं मिल जाती। इससे क्या होगा, आप और स्ट्रांग बनोगे। प्रैक्टिस कर करके हम क्या होते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन स्ट्रांग। तो प्रैक्टिस से क्या होता है, हम स्ट्रांग होते हैं और ज्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। रिकॉल अ चैलेंज यू हैव फेस्ड इन योर लाइफ, डिड यू गिव अप और डिड यू ट्राई अगेन एंड अगेन टू ओवरकम द चैलेंज। Talk to your friend about this. अभी आपसे बोल रहा है, वर्क कह रहा है कि अपने फ्रेंड के साथ बात करो, डिस्कस करो और उसे अपने चैलेंज, आपने कोई ऐसा चैलेंज है जो अपनी लाइफ में फेस करा है जिसमें आप बार बार करते रहे फिर जाके आपको उसमें सक्सेस मिली है ना, कंप्लीट कर पाए। तो ऐसे किसी चैलेंज के बारे में अपने फ्रेंड से शेयर करो और उससे भी जानो कि उन्होंने कोई चैलेंज अपनी लाइफ में ऐसा फेस किया है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका वर्क है। या इससे क्या होगा, अगर आप एक दूसरे के चैलेंजेस के बारे में जानेंगे, क्या चैलेंज आपने और आपके फ्रेंड ने फेस करे लाइफ में। सो अब लेसन स्टार्ट करते हैं डिटेल में। इट वाज द समर ऑफ 1880। कब, किस समय की बात है, 1880 की समर का टाइम था। अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा। एक हेल्दी बेबी गर्ल का जन्म हुआ जो कहाँ रहती थी, स्मॉल टाउन अलाबामा में। कहाँ रहती थी, अलाबामा में। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली, उनके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उस गर्ल का नाम क्या रखा, हेलन। क्या नाम रखा, हेलन, है ना, बड़ा अच्छा नाम हेलन। आई थिंक आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, या तो अगर इतना क्यूट सा नेम है हेलन। बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टे हाई। क्या होता है, एक दिन वो जो बेबी था, बेबी गर्ल थी, वो बीमार पड़ जाती है और दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब होती चली जाती है, बहुत तेज फीवर चढ़ता चले जाता है। एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर बट ऑल दे कुड से वाज देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लिव। जितने भी लोग थे ना उनकी फैमिली में, वो ट्राई करते थे कि ताकि वो ठीक हो जाए, बेटर हो जाए, बट वो नहीं हो रही थी ठीक। तो सबने क्या कहा, हम जितना कर सकते थे कर दिया, आई थिंक अभी ये जो बेबी है वो नहीं बचेगा। ये है हेलन की बचपन की पिक। तो वो कह रहे कि अभी नहीं बचेगी गर्ल। हेलन लीव बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। हेलन बच जाती है बट अब वो पहले जैसी नहीं थी। पहले जैसी का मतलब क्या, पहले बीमारी के बाद वो पहले जैसी नहीं रही। पहले जैसी क्यों नहीं रही, ऐसा क्या हो गया हेलन के साथ, समथिंग इज वेरी रॉन्ग। हर मदर सेड एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। कुछ बहुत गलत हो गया था, उनकी मम्मी कहती है कि कुछ तो है जो बहुत गलत हुआ है। आखिर में जाके उन्हें पता चलता है कि क्या गलत हुआ है बच्चे के साथ। जो चाइल्ड था कुड नॉट सी और हियर, ना ही वो देख सकती थी और ना ही वो सुन सकती थी। कौन नहीं सुन सकती थी, हेलन। कौन नहीं सुन सकती थी, हेलन केलर। इनका पूरा नाम क्या था, हेलन केलर। तो अब वो ना ही सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी। सोचो, अब आप ये सोचो कि जो बच्चा देख नहीं सकता तो और ना ही सुन सकता, तो वो बोलना कैसे सीखेगा।
समझो, जब वो सुन ही नहीं पा रहा, हम कोई चीज कैसे सीखते हैं? सुन के ही तो सीखते हैं ना। आपको सामने आपकी मम्मा कुछ बोल रही है तभी तो आप समझते हो, समझ पाते हो सुनकर ही। अब ना ही वो सुन पा रही और ना ही देख पा रही, या तो सुन के या तो देख के हम कुछ ना कुछ समझ जाते हैं एक्टिंग हाथों के एक्शन से। अब ना ही वो देख सकती थी ना ही सुन सकती थी। अब ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने पढ़ना और बोलना कैसे सीखा, है ना ये इंटरेस्टिंग बात कि उन्होंने पढ़ना लिखना कैसे सीखा। इतनी दोनों ही चीज नहीं आती थी और अब वो आगे कैसे सीखेंगी। सो आगे का मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जुड़े रहिए वीडियो के साथ, जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड होगी। आई होप यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, मेरे को तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है जाने की आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे वो उन्होंने कैसे बोलना सीखा, कैसे रीड करना सीखा। तो जल्दी मैं आपके लिए अगली वीडियो लाऊंगी, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी वीडियो, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।